स्वागत है, इतना पोलाइटनेस कौन दिखाता है अदरवाइज। तो दुर्गेश जी, आई रियली मिस यू, बट स्टिल यू आर देयर, आई नो यूर प्रेजेंस इज देयर। फिर आते हैं संजय पांडे जी, जो अपकमिंग आईटीसी है, वी फैमिली इज एकदम, वी फैमिली इतना आईटीसी का भी, सी हमें बहुत खुशी होती है जब माई फैमिली में अचीवर बनते हैं, किसी की भी वो हो, वो वी फैमिली हो या मेरी फैमिली हो, कोई भी हो, लेकिन अचीवर बनते हैं लोग, यहाँ पे आके अपने ड्रीम्स पूरे करते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। देन तिवारी जी, बहुत बढ़िया, आप भी अपकमिंग आईटीसी है। देन अमित पांडे जी, आप भी अपकमिंग आईटीसी है, आप सभी को ऑल द बेस्ट। और मेरे ख्याल से ये अभी अगर लॉकडाउन और कोरोना का माहौल नहीं होता था तो आप लोग अपकमिंग जीटीसी कैटेगरी में जाते थे, आई एम श्योर अबाउट इट, क्योंकि आपको इतना जबरदस्त सपोर्ट है और इतना जबरदस्त एक्साइटमेंट है मोहित सर का, तो मतलब आप तो वो एकदम जबरदस्त पार करके ही जाएंगे। और लेडीज को मैं कैसे भूलू हूँ, फर्स्ट लेडी फर्स्ट लेडी एसटीसी ऑफ वी फैमिली आकांक्षा ठाकुर जी, बहुत जबरदस्त, बहुत जल्दी मैं आपको मेरे साथ स्टेज पे देखना चाहूंगी। आई वुड रियली लव कि लेडीज मेरे साथ यूटीसी में स्टेज शेयर करें, बहुत मजा आएगा, है ना। और ये सारे लोगों को मैं तहे दिल से सल्यूट करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और मेरा छोटा सा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बताना चाहूंगी। मुझे लगा इसीलिए मैंने बैकअप भी तैयार कर रखा है कि अगर मैं यहाँ पे लैपटॉप पे कुछ गड़बड़ हो जाए तो आई हैव अ बैकअप। सो मेरी शुरुआत हुई आज से 16 पहले, बिजनेस देख रहा है ना, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि वी आर द ऑथराइज्ड पीपल आपको बताने के लिए कि ये कंपनी, ये मैनेजमेंट, ये प्लान, ये पे आउट, ये प्लान मतलब कंपनी का पे आउट कितना सही है, बिकॉज मैंने 16 साल कंप्लीट किए हैं। अभी जो गया जुलाई 23rd ऑफ जुलाई, मैंने ये मैनेजमेंट के साथ, हम लोग तभी दूसरे फॉर्मेट में थे, उसके बाद दूसरे फॉर्मेट में, लेकिन कंप्लीट अगर देखा जाए तो 16 साल से आई एम विद दिस मैनेजमेंट। आई हैव सीन, मैंने देखा है सारे अप्स एंड डाउन्स सारे देखे हुए हैं, और कितना भी डाउन जाए परिस्थिति, कितनी भी तकलीफें आए, तो भी मैंने देखा है कि ये मैनेजमेंट हर बुधवार को पैसा देती है, मतलब देती है, मतलब देती है, कुछ भी हो जाए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होती है कोई भी बिजनेस में जाओ, पैसा टाइम पे आना। और आज की तारीख में ऐसे कई सारे लोग हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन कई सारे लोग हैं, कई सारे कंपनीज है, वही एक काम में मार खा जाते हैं। और इसीलिए आपको कहीं और कोई भी और कंपनी में, इंडियन कंपनी में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे लीडर ये बोलने वाले कि मैं ये कंपनी साल हूँ, मैं ये कंपनी के साथ 13-14 साल से हूँ, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मैं तो बोलूँ कि ऐसी कंपनियां ही नहीं मिलेगी कि आपको ये बताएंगे कि हम इतने 20 साल से हैं। सो मैंने ये 16 साल पहले बिजनेस की शुरुआत की, और जैसे मैंने कहा मैं मुंबई में रहती हूँ, मेरा नाम रुणाल फणसाकर है, मैं मुंबई में, और मैंने जो था कि अभी तो ये सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप प्रेजेंट देख रहे हैं, लेकिन बिफोर लॉकडाउन ऐसा नहीं था। और 16 साल पहले तो कुछ भी टेक्नोलॉजी हुआ नहीं करती थी, ना प्रोजेक्टर, ना स्क्रीन, ना कुछ, सीधा पेपर पेन पे प्लान दिखाया जाता था। और मैं वो प्लान देखने गई, पहले तो मुझे किसी ने प्लान पेपर पे दिखाया, ऐसे ही 1-to-1 दिखाया, और मैंने एक काम किया, मैं आपको भी वही बोलूंगी, जितने लोग आज नुकसान बिल्कुल नहीं है, जो पैसा मैं दे रही हूँ उसका मुझे प्रोडक्ट मिल, उसके मुझे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, बात खत्म, उसके आगे जो भी हो जाएगा वो सिर्फ फायदा ही फायदा है, वो सोच के मैंने पहले निर्णय लिया। मैं आप सभी को भी यही कहूंगी, पहले निर्णय लीजिए, निर्णय लेने में जब कब तकलीफ होनी चाहिए, जब वो निर्णय लेने से आपका नुकसान होने के कोई चांसेस है, लेकिन एक रुपए का भी आपका नुकसान नहीं है। और मैं आपको बता दूं, वी आर द पीपल, जो हम लोग वो लोग हैं जो आपको इसके बारे में
जो भी डाउट्स है, जो भी आपके तकलीफ है, जो भी आपको लग रहा है, वो सारा बैठे हुए हैं, बुलाया वो वहां पे बैठे हुए है, वो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे, ना कि आपका कोई चचेरा भाई, कोई काका, कोई मामा, कोई पड़ोसी, जो भले ही कोई भी क्वालिफिकेशन से हो, बिजनेस में, दूसरे कोई भी बिजनेस में कितना भी बड़ा हो, लेकिन ये बिजनेस की समस्या है, ये बिजनेस की क्वेरीज आपको वही सॉल्व कर सकता है जिसने आपको बुलाया है। तो मैं ये आपको एकदम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, ऐसे कोई बाहर के लोगों से इसके लिए राय ना लीजिए जिन्होंने ये देखा ही नहीं है। तो वो क्या हो जाता है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये अजम्पशन हो जाता है, ये अजम्पशन का कोई मायने नहीं रखता है, अजम्पशन को कोई भी वैल्यू नहीं है। जिसने देखा ही नहीं है उसको कैसे समझा, वो आपको है ना, आपको फोकट की सलाह देगा जरूर, लेकिन वो सलाह से आपका फायदा बिल्कुल नहीं होगा, वो सलाह से आपका फायदा नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन नुकसान होने वाला है, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको जिन्होंने बुलाया है उनके पास से आप बेशक आपकी क्वेरीज पूरी मतलब जान के लीजिए, लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, मेरी सच्ची सच्ची सलाह बताऊं आपको कि ये बिजनेस शुरू करिए। क्वेरीज तो आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी, लेकिन वो क्वेरीज के साथ साथ आप शुरू कर देंगे ना, तो पैसे के साथ साथ आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। आप बोलेंगे मैं सब कुछ क्वेरी सॉल्व करूंगा, मुझे सब कुछ समझना चाहिए और फिर मैं बिजनेस करूंगा, तो वो कृपया मत करिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा, है ना। सो वैसे मैंने शुरुआत की और मैंने ये ठान लिया था कि आज भले ही कोई लेडीज ना हो, लेकिन आगे आने वाले समय में जरूर जो भी लेडी आएगी वो देखेगी कि अगर एक लेडी सक्सेसफुल हो सकती है, कामयाब हो सकती है, तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगी। और आज मुझे बहुत खुशी होती है इतने सालों के बाद कि आज कोई भी हॉल में जाओ, मतलब अभी लॉकडाउन में तो सवाल नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के पहले एकदम हमारे षणमुखानंद में भी जाओ, इतना बड़ा ऑडिटोरियम, लेकिन वहां पे भी लेडीज की संख्या मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 50-50% से भी ज्यादा होता है। और भी अब हम लोग है ना लेडीज, मैं आपको बताऊं स्पेशली नारी शक्ति के लिए मैं बताऊं कि हम लोग बॉर्न नेटवर्कर्स रहते हैं। हमारा एक नेटवर्क है अपने मायके, अपने भाई, अपने बहन, ऐसा माँ बाप, ऐसा सब एक बढ़िया नेटवर्क चलता रहता है हमारा। और सडनली एक दिन शादी हो जाती है, हम दूसरे घर में चले जाते हैं जहाँ पे अपने हस्बैंड के अलावा हमारे लिए दादा, वैसे तो सास, फीलिंग जो होता है सिर्फ हस्बैंड के लिए होता है, लेकिन हम बॉर्न नेटवर्कर होते हैं इसीलिए वहां पे भी पूरा नेटवर्क बना लेते हैं। सो वी आर बॉर्न नेटवर्कर, सो वी शुड डू दिस बिजनेस। हमारे लिए फ्रीडम होना ही चाहिए। मेरे लिए ना ये भी काम मेरे से करवाना हो ना, तो कोई मेरे सामने वो काम करवाओ तो 100% आई एम गोइंग टू डू, मैं वो करने ही वाली हूँ, ये बात पक्की है। सो मैंने जब शुरुआत की, मैं एकदम मतलब मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करती हूँ, मेरा ज्यादा नहीं आपका टाइम लूंगी, लेकिन थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग करना चाहूंगी, है ना। मैं क्या थी बताना चाहूंगी, मैं क्या थी और मैं कहाँ तक आ गई। मेरा जन्म जो हुआ ना, मैं अभी कहाँ जन्म मेरा होना था ये मेरे हाथ में नहीं था डेफिनेटली, लेकिन मैंने क्या करना है, कहाँ जाना है, वो मेरे हाथ में था। सो आई वॉज बॉर्न, या आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई वन चौल। मैं मोहित सर जैसी बिजनेस फैमिली में से नहीं थी, मैं एकदम छोटे से फैमिली में मेरा जन्म हुआ, और वैसे तो खाने पीने की वगैरह ऐसे कोई कमी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और वैल्यूज की कोई कमी नहीं, वो वैल्यूज ने आज मुझे यहाँ तक लाया। मेरे पिताजी, मेरे माताजी, उन्होंने मुझे जो वैल्यूज दी, जो संस्कार दिए, वो संस्कारों की वजह से मैं आज यहाँ तक आई हूँ। सो आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ स्मॉल चौल, है ना। ये घर अभी तो है ना इतना बेकार दिख रहा है, हम लोग रह रहे थे तो बेकार नहीं था, लेकिन तभी ये लगा नहीं था कि हम इतने कुछ बड़े हो जाएंगे कि इसके फोटोग्राफ्स दिखाने का वक्त आएगा। सपने तो बहुत जोरदार थे, वो एक हमारी पूंजी थी, मैं और मेरे भाई हमारी पूंजी थी, वो हमें जो विरासत में मिला ना वो था हमारा पॉजिटिविटी और हमारे सपनों की ताकत। तो हम भले ही यहाँ रहते थे, लेकिन हमने ये हमेशा सोचा था कि हमें कुछ जिंदगी में बढ़िया करना है। ओके, सो ये घर से मैं मतलब उसमें बहुत सारी बड़ी कहानी है, वो कभी फुर्सत मिले तभी बताएंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में बताती हूँ। यहाँ से मेरी शादी भी हो गई और मैं 21 साल यहाँ पे रही, फिर उसके बाद मेरी शादी हुई। तो शादी के बाद
मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई। लड़कियों के लिए ना एक अपने आप को फोकट में अपग्रेड करने का एक बहुत बड़ा मौका रहता है, वो होता है शादी। और मैं ये हमेशा सोचती हूँ, आप लव मैरिज कर रहे हो, अरेंज मैरिज कर रहे हो, लेकिन बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। जो हमारी नारियां आज लड़कियां है, अनमैरिड है, मैं आपको बोलूँ लव प्रेम विवाह भी करो ना, तो जरा आंखें खोल के करिए, अपने आप को अपग्रेड करने के हिसाब से लव करिए। वो जो सिंपल वो मेरा लव ये वो जो होती है ना, वो 2-4 महीने में सब उतर जाता है, और प्रैक्टिकली जब आते हैं ना तब ये सारी चीजें बहुत काम की होती है। ये थोड़ा सा जरा आउट ऑफ द बिजनेस मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ लड़कियों को कि जरा सोच समझ के, प्यार भी करना है ना तो जरा सोच समझ के करिए। तो मैंने पूरी आंखें मेरी खोली, आंखें दिमाग खोले रख के मैंने प्यार किया था, और मैं शिफ्ट हो गई। मेरा 1 BHK ही घर था, कोई लंबा चौड़ा घर नहीं था, लेकिन 1 BHK घर में मैं शिफ्ट हो गई। और मेरा जस्ट बहुत जल्दी 21वें साल में शादी कर दी, तो बहुत जस्ट ग्रेजुएशन की एग्जाम दी थी मई महीने में, और जून महीने में मेरी शादी हो गई थी। और वो सारे गुलाबी दिन वगैरह वगैरह जो सब कुछ होता है वो मेरे साथ भी हुआ था। वो उम्र में जो होता है ना 18-20 साल की उम्र में, वो मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन जब शादी हो गई, रिजल्ट आया, तभी मुझे समझ गया कि अभी सब गड़बड़ है। और वो जो गुलाबी खत्म होके मैं एकदम जमीन पे आ गई। और वो सब एग्जाम के पहले प्यार में थी, तो वो जो सब होता है ना बुक्स में, वही उसी का चेहरा दिखना, कहीं पे भी उसी का चेहरा दिखना वगैरह 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 सब मेरे साथ भी हुआ था। मैं आपको इसीलिए बताना चाहती हूँ कि मैं कोई अलग नहीं हूँ, आपके जैसे ही हूँ। और प्यार में पड़ गई, प्यार में गिर गई, बोलो जो भी बोलो, प्यार हो गया। और वो सब मैं पढ़ाई वढ़ाई अच्छी खासी स्टूडेंट थी, पढ़ाई वढ़ाई भूल गई। और मेरा TY BSc का रिजल्ट एकदम पथेटिक आया, एकदम बेकार आया। और फिर मैं एकदम ही जमीन पे आई और सोचा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो हमेशा ना अपने साथ जब गलत होता है तो हम ऊपर वाले को कोसना चालू कर देते हैं, हमें लगता है ये क्या हुआ मेरे साथ, ऐसे कैसे हुआ वगैरह वगैरह। लेकिन हमने एक बात जरूर जान लेनी चाहिए, देखो अभी हम एक्सपीरियंस कह करके आपको बता रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमेशा ऊपर वाले का प्लानिंग अपने प्लानिंग से बहुत सही रहता है। उस वक्त शायद मैं बहुत अच्छे मार्क्स से पास होती थी, मेरा प्लानिंग था मैं MCA करूं और फिर मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाऊं वगैरह वगैरह, बहुत सारा प्लानिंग था। लेकिन वो प्लानिंग पूरा चौपट हो गया। लेकिन और फिर मुझे समझा कि अभी मैं कोई MCA नहीं कर सकती, ना ही मैं इसमें जा सकती हूँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। लेकिन आज मुझे ये समझ रहा है कि कितना बढ़िया हुआ कि उस वक्त ये हुआ, नहीं तो मैं 1-1.5 लाख रुपया महीने का कमाने में ही इतनी बिजी हो जाती थी कि महीने का कितना लाखों रुपया, साल करोड़ों रुपया कमाने का मेरा मुझे फुर्सत ही नहीं होती थी। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं ना, ऐसे अहंकार में रहते हैं कि मेरा तो ये नौकरी है, मेरा तो ऐसा है वैसा है, मैं क्यों करूं। ऐसा लोगों को लगता है कि ये अपना काम है नहीं, मैं तो अच्छा खासा कमा रहा हूं, तो या कमा रही हूं। लेकिन आपके सामने भी फैमिली का जबरदस्त एग्जाम्पल है मोहित सर, कि जो इतनी बड़ी फैमिली से आके भी ये बिजनेस कर रहे हैं। और आज की तारीख में मुझे बहुत मजा आता है कि वो और मैं एक स्टेज शेयर करते हैं, हालांकि वो कितने बड़े फैमिली से, मैं एकदम नॉर्मल फैमिली से, लेकिन ये बिजनेस ने हमें एक स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया। और फिर मैंने सोचा कि अभी तो कुछ होने से रहा, MCA वगैरह कुछ होगा नहीं, इतना ये वो सब ट्राई किया। और फिर मेरे लाइफ में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मैंने जैसे बताया कि मैंने ये बिल्कुल सोचा नहीं था कि इतना 2,10,000 हफ्ते का आ सकता है, ये वो कुछ नहीं सोचा था। मैंने ये सोचा था बस फ्रीडम चाहिए, मेरा शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए मेरा पैसा आ गया, बस हुआ। 21,000 आया तो भी बहुत है, हफ्ते का 2,100 आया तो भी बहुत है, कोई टेंशन नहीं है, उतना पैसा अपना है ना, बस हो गया। और नौकरी करने का पहले दिन से ही बहुत मुझे ऐसा मजा नहीं था, क्योंकि ऐसे किसी के मैं कंट्रोल में रहूं, किसी के ऑर्डर्स में ओबे करूं, किसी को सुनूं, सुन के लूं किसी की गालियां, ये मुझे वैसे तो मंजूर नहीं था। तो ये बिजनेस मैंने हंसते हंसते मैंने शुरुआत की। आप लोगों में से कुछ कुछ ऐसे होंगे नए जो आज पहली बार देख रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि ये सच्ची में होता है क्या। परसों किसी ने किसी को बोला कि ये कुछ नहीं होता है यार, ये तो ऐसे ही फेंकते हैं। तो मेरे चेहरे से देख के आपको कुछ लग रहा है क्या ऐसा कि मैं फेंकने वालों में से हूँ, या लता जी को देखो, मोहित सर को देखो, दुर्गेश जी को देखो, किसी के और जो प्लान दिखा रहे थे अभी, उनके चेहरे से आपको कुछ भी लगा क्या कि हम फेंकने वालों में से है।
हमें कोई जरूरत नहीं है फेंकने की, सच्ची बोलती हूँ, हमें कोई जरूरत नहीं है झूठ बोलने की, क्योंकि हमारे पास सच बोलने के लिए इतना मटेरियल है कि जो बताते बताते टाइम खत्म हो जाता है। हम अगर शुरू करें, अगर हमारा पूरा बताना स्टोरी बताना चालू करें ना, तो दिन भी कम पड़ जाए, तो हम झूठ क्यों बोले। तो ये बिजनेस पे मैं आई, बिजनेस पे आने के बाद सबसे पहला मैंने काम किया कि मुझे अपलाइन ने बताया था कि प्लान श्योर बनना है आपको, जब तक आप प्लान नहीं दिखा पाते, खुद का प्लान नहीं दिखा पाते, तब तक आप आपके बिजनेस के मालिक नहीं है। अगर कोई दूसरा आपके लिए प्लान दिखा रहा है, मतलब आप उनके बिजनेस में हो, इसी का मतलब है आप उनका जॉब कर रहे हो। तो सबसे पहला काम मैंने किया कि मुझे बिजनेस में आने के बाद ये समझा कि मैं अगर मेहनत करूं तो डेफिनेटली मैं सक्सेस पा सकती हूँ, मुझे कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि ये टीम वर्क है, सारे लोग हैं हमें मदद करने के लिए। उसी प्रकार से फिर मैंने प्लान सीखा पहले तो, और मैं आपको बता दूं मेरे डायरेक्ट अपलाइन, मतलब माय स्पॉन्सर इज हिस्ट्री मेकर इन माय लाइफस्टाइल। माय स्पॉन्सर इज फर्स्ट डायमंड ऑफ माय लाइफस्टाइल, फर्स्ट रॉयल डायमंड ऑफ माय लाइफस्टाइल, मिस्टर राजेश यादव सर, उनको मैं तहे दिल से वंदन करती हूँ। और उन्होंने मुझे बताया कि आपको अगर बिजनेस में सच्ची में कामयाब होना है तो आपको प्लान सीखना पड़ेगा, और मैं प्लान सीखी और मैंने प्लान देना चालू किया। आपको ऐसा लगता होगा आज मुझे देख के, और मैं इतना नॉन स्टॉप बात कर रही हूँ, तो आपको लगता होगा कि मेरे प्लान से तो इमिजिएटली सारे लोग आ गए होंगे, लेकिन अगर आप नए हो, 2 महीना 4 महीना 6 महीने हुए है या 1 हफ्ता हुआ है, तो आपको अगर ऐसे अनुभव आ रहे हैं कि लोग ना बोल रहे हैं, आपका फोन उठा नहीं रहे हैं, या बच्चे बोल रहे हैं कि पापा बोल रहे हैं पापा घर पे नहीं है, या वाइफ बोल रही है कि नहीं ये ना जरा नीचे गए हैं कुछ सामान लाने और फोन रख के गए हैं, एक्चुअली ये सब झूठ होता है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, फोन रख के कोई इंसान कहीं बाहर कहीं नीचे जाता नहीं है, लेकिन ये सब बताने की चीजें होती है। तो अगर आप ये सारे जवाब कहीं पे भी जाओ, देखो मैं महाराष्ट्र में मुंबई में हूँ, आप एमपी में हो, आप उत्तर प्रदेश में हो, और कहीं पे भी हो, लोग सेम रहते हैं, लोगों के जवाब सेम रहते हैं। तो अगर आपको ये जवाब आ रहे हैं ना लोगों से, तो यस यू आर परफेक्टली ऑन द ट्रैक ऑफ, ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस, ऑन द पाथ ऑफ ITC, ऑन द पाथ ऑफ डायमंडशिप, है ना। तो ऐसे मुझे जवाब आते गए, लोग ना बोलते गए, फिर भी मैं हटी नहीं। मैंने ये सोच लिया कि ये लोगों की जेब में मैं मेरे ड्रीम्स डाल नहीं सकती हूँ। मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े थे, और मुझे ये सिखाया गया था कि ये बिजनेस में हाउ टू डू दिस, ये बिजनेस कैसे करना है, दैट इज जस्ट 1%, 1% उसका इम्पोर्टेंस है, 99% ये है कि मैं ये बिजनेस क्यों कर रही हूँ। आप जितने लोग जुड़े हुए हो ना, नए नए हो या पुराने भी हो, आपके पास आपका व्हाई, ये मैंने बिजनेस क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास स्ट्रांग मेरा व्हाई था, इसीलिए मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। आपके पास आपका स्ट्रांग व्हाई होना बहुत जरूरी है कि मैं, देखो आप अगर मुझे जवाब देंगे या अपने अपलाइन को जवाब देंगे कि पैसा कमाने के लिए, तो पैसा है इसीलिए हम सारे इस बिजनेस में है, वो कोई बात नहीं होती है। वो पैसे से मुझे जिंदगी में क्या करना है, ये पैसा मुझे क्यों चाहिए, गाड़ी घोड़ा बंगला ये वो सब है, लेकिन एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ आओ। आज रात को है ना आत्मचिंतन करिए कि मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वो जवाब जितना आपको स्ट्रांग मिलेगा ना, उतना बिजनेस आपका स्ट्रांग हो जाएगा, और उतने जबरदस्त आपको उतनी जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। मेरा वेब स्ट्रांग, मेरा बहुत वाई स्ट्रांग था, और मैं ये बिजनेस में आ गई, और मैंने प्लान सीखा सबसे पहले मैंने बोला, और मैं करते गई, दिखाती गई, सारे नोज के बावजूद मैं खड़ी रही। मैंने सोचा था कि आज ना बोल रहे हो नो प्रॉब्लम, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर ना, और एक बात आपको बता दूं, शुरुआती दिनों में ना ये बिजनेस यहाँ से बिल्कुल मत करिए, यहाँ से करिए। यहाँ से करने से क्या होता है ना, बहुत दुख होता है, बहुत अपमानजनक लगता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है, डिप्रेशन आता है जब लोग ना बोलते हैं। यहाँ से करेंगे शुरुआती दिनों में, बाकी तो बिजनेस पूरा यहाँ से ही है, दिल से दिल का रिश्ता होता है तो ये बिजनेस होता है, लेकिन शुरुआती दिनों में यहाँ पे करिए। लोग ना बोले ना सही, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई समस्या नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम ना बोल रहे हो, मैं तो आगे जाने वाली हूँ या जाने वाला हूँ, ये ठान के आप चलिए। यहाँ से करेंगे ना तो यहाँ दुख नहीं होता, यहाँ दुख नहीं हुआ तो तकलीफ नहीं होती, और फिर बिजनेस की आत्महत्या करने के विचार नहीं आते हैं मन में। बिजनेस की आत्महत्या बोल रही हूँ, लाइफ की नहीं, बिजनेस की आत्महत्या। ये बिजनेस में ना कुछ लगा ही नहीं है अपना,
क्योंकि हमने जो पैसा लगाया, पैसा मतलब लगाया क्या, पैसे दिया और उसकी खरीदारी की। जैसे कहीं पे भी और दुकान में जाओ, बनिए के पास जाओ, पैसा दिया खरीदारी की, तो लगाया नहीं है पैसा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ये बिजनेस का कि हमने पैसा लगाया नहीं है, और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमने पैसा लगाया नहीं है। तो इतनी सी बात हो गई, दो तीन चार लोग ना बोल गए, बस ये बिजनेस की आत्महत्या हो जाती है। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर आप इस बिजनेस में आए हो तो ये ऊपर वाले का प्लानिंग है आपके बारे में, ऊपर वाले ने सोचा है, तो वो ऊपर वाले के प्लानिंग के अगेंस्ट बिल्कुल मत जाइए। ये बिजनेस को पकड़ के रखिए, पकड़ के रखिए, छोड़िएगा मत। ये बिजनेस को पकड़ के रखने से ये बिजनेस आपको वो सब कुछ देगा जो आपने सोचा होगा, और जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो सब कुछ आपको ये बिजनेस दे सकता है, है ना। तो ये मैंने शुरुआत की और मेरे लाइफ में ये आया, ये बिजनेस आया, माय लाइफस्टाइल और हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी और एक सबसे जबरदस्त टीम, टीम ऑफ पीपल, टीम ऑफ कमिटेड पीपल, टीम ऑफ स्ट्रांग पीपल, टीम ऑफ हेल्पफुल पीपल, है ना, जो लोगों का भला चाहते हैं। जितने लोग अपने पास आते हैं वो सारे लोगों की कामयाबी चाहते हैं, ऐसे लोगों की टीम ने और एक शख्स जिनको मैं जहां पे भी जाऊं, जहां पे भी बात करूं, तहे दिल से वंदन करती हूँ। अगर ये शख्स नहीं होते तो आज मैं यहाँ पे आपके सामने बात करती नहीं थी। हमारे प्रवीण जे चंदन सर जी को मैं तहे दिल से वंदन करूंगी। और फिर ये बिजनेस चलता गया। शुरुआती दिनों की ना तो सबका पार्ट एंड पार्सल है, सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी हुआ। और फिर बिजनेस चढ़ता गया। और जो मैंने सोचा था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी, उस हिसाब से आई वॉज द फर्स्ट लेडी एनटीसी इन माई लाइफ स्टाइल, आई वॉज फर्स्ट लेडी सीटीसी, आई वॉज फर्स्ट लेडी आईटीसी, आई वॉज फर्स्ट लेडी जीटीसी, एंड आई एम द फर्स्ट लेडी यूटीसी ऑफ माई लाइफ स्टाइल। आई फील वेरी प्राउड। उसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये सारा टीम वर्क है मेरे लोगों का, मेरा सबका मिला के, और कंपनी मैनेजमेंट का सबका मिला के ये टीम वर्क है कि मुझे ये पोजीशन तक पहुंचा दिया। और मैं ये कर सकती हूँ ना, मैं सच्ची कहती हूँ, मैं अगर खड़ी रहूँ आपके सामने तो आपको दिखेगा मैं सिर्फ इतनी सी हूँ, 4'11", मतलब अगर मैं खड़ी रहूँ और मोहित सर बैठे रहे ना तो भी मोहित सर की हाइट मेरे से ज्यादा होगी। ये सिंपल इतनी सी हूँ मैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी की वजह से, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी की वजह से और सारे लोगों की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंच गई हूँ। और फिर ये बिजनेस की वजह से जो मेरा 10x10 square feet का घर था, आज मैं ये घर में रहती हूँ, अभी जो मैं बैठी हूँ ये घर में रहती हूँ। मेरा 2500 square feet का पेंट हाउस है 6th and 7th floor मुंबई जैसे सिटी में, जहाँ पे एक स्क्वायर फीट का रेट 20,000 तक है, वहां पे मेरा आज। और मैं बोलूँ, इस घर को बनाने में एक सिंगल रुपया भी कहीं और से लगा नहीं है। एंड आई फील वेरी प्राउड कि मेरे मतलब मेरी वजह से नहीं, ऊपर वाले की सपोर्ट से, ऊपर वाले की वजह से। ऊपर वाले ने ये सोचा था कि मैं ये मुकाम तक पहुंचूं और मैं यहाँ तक पहुंच गई, और ये मेरा घर है, है ना, मुंबई में। मतलब अभी एमपी की बात ना करूं तो बहुत बड़े बड़े घर रहते हैं और बहुत बड़े बड़े किचन रहते हैं। मुंबई में ना ऐसे इटू से किचन रहते हैं, दो लेडीज साथ में काम करे तो एक दूसरे को टकराती है। वहां पे मेरा बढ़िया किचन है, बढ़िया। और मैं आपको बोलूं, ये घर में जाते वक्त हम लोग, जो मैंने पहले घर दिखाया ना, वहां से एक सिंगल चीज भी, हमारे कपड़ों के अलावा एक सिंगल चीज भी लेके हम यहाँ पे नहीं आए। कम्प्लीटली पूरा नया घर बना, नया। और हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बड़ी फैमिली है हमारी, और हम सबको अकोमोडेट कर सकते हैं। क्योंकि घर में है ना, झगड़े दो चीजों की वजह से होते हैं, एक होता है पैसा और एक होती है मतलब प्राइवेसी ना मिलना, जगह ना मिलना। और वो दोनों चीजें माई लाइफ स्टाइल की वजह से मेरी लाइफ से कम्प्लीटली कट हो गई। तो हम सारी लेडीज, जितने भी हम 3 ladies रहते हैं हम लोग, और मतलब 5-6 gents, ऐसा सारे लोग हम लोग मिलके घर पे सुख से आनंद से रह पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ माई लाइफ स्टाइल की वजह से। ना ये जो दिख रहे हैं ना आप, ये जो है ना, ये मेरा होम लिफ्ट है। पूरी नवी मुंबई में मेरा अकेला घर है जिसके अंदर ये लिफ्ट है, क्योंकि 6th and 7th floor पे बिल्डिंग का लिफ्ट जो है वो बाहर से है ही, लेकिन दिस इज माय होम लिफ्ट। जो मुझे बहुत शौक था बचपन में, हमने जब सोचा था कि अपना बढ़िया घर होगा, और जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ऐसे दोनों तरफ से स्टेयरकेस होगा, ये होगा वो होगा, तो मेरे बड़े भाई ने जब मेरे से पहले घर बनाया, आप सबको मालूम है वो, बहुत सारे लोगों को, प्रभात कर्मवीर घर, उन्होंने जब घर बनाया तो वैसे स्टेयरकेस के साथ बना,
फिर मेरा बना तो मैंने सोचा अभी कुछ अलग एक स्टेप आगे होना चाहिए। इंसान ने हमेशा कल से थोड़ा सा आगे की सोचनी चाहिए, तो कल से थोड़ा बेहतर थोड़ा बेहतर थोड़ा बेहतर करके आगे जाना चाहिए। तो हमने सोचा अभी हमारे घर में स्टेयरकेस नहीं, स्टेयरकेस की जगह पे लिफ्ट होनी चाहिए। सो ये बेहतरीन लिफ्ट बनी और मतलब एक वन ऑफ द प्राइम हाउस मेरा बना, सिर्फ और सिर्फ माई लाइफ स्टाइल की वजह से। ये मेरा बेडरूम है जहाँ पे मैं अभी बैठी हूँ, ये जो मेरा वार्डरोब है ये मेरे पीछे है, अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ पे मैं बैठी हूँ, ये मेरा डोर है। और हमने ना जब पैसे आ जाते हैं ना, तो अभी एक्चुअली मैं ये गुस्ताखी कर रही हूँ मोहित सर के सामने पैसे की बात करके, लेकिन क्या है कि मैं बहुत छोटी फैमिली से आई हूँ, तो मुझे मतलब बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस लगता है कि मैंने इतना मैं ये पोजीशन तक पहुंच पाई। ये पूरा घर जो है ना, ये जो वार्डरोब है, ये पूरा जो सेट दिख रहा है आपको, ये वार्डरोब है पूरा, ये ड्रेसिंग टेबल और ये, और यहाँ का भी डोर है ना, वो सारा हमने पेंट करवा के, हैंड पेंट करवा के लिया। मतलब अदरवाइज लैमिनेट लगाती थी या और कोई विनियर लगाती थी या और भी कुछ लगाती थी, उससे 5 गुना ज्यादा पैसा खर्चा करके ये मैंने करवाया। क्योंकि एक था कि एक बढ़िया जगह होनी चाहिए अपना घर, मतलब पूरे बाहर के कामों के बाद, टेंशन के बाद जब घर आए तो एकदम सुकून लगना चाहिए, ऐसा घर बनाया। और मैं बोलूं ये जो मेरा बाथरूम है, जो मेरा पहले घर था जितने साइज का, उतना बड़ा बाथरूम है। और जब ये कंपनी ने ना बहुत बड़ी बड़ी आदतें लगाई है, क्योंकि ऐसे 5 स्टार 7 स्टार में जाना रहना और वहां के बाथरूम्स, वहां के बाथटब्स, सो मैंने बिग साइज बाथटब विद जकूजी एंड ऑल फैसिलिटीज मैंने बाथरूम में लगवाया, क्योंकि मैंने सोचा चलो हम भी जी लेते हैं, बढ़िया है ना, जैसे अमरीश पुरी बोलता है ना, ले जी सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, वैसे प्रवीण सर हमें बताते हैं जी लो अपनी जिंदगी, और हम ये बिजनेस की वजह से ये सब कर पाते हैं जिंदगी में। और फिर घर एक सबसे पहली चीज होती है ना, घर, घर के बाद मतलब पहले तो गाड़ी हुई थी, स्कोडा लॉरा ली थी हमने 2006 में बिजनेस शुरू होने के बाद, वो ऑटोमेटिक कार उस जमाने में बहुत मतलब नई नई थी और मेरे लिए वो जरूरत थी, क्योंकि मैं जब गाड़ी में, मुझे वो भी फ्रीडम चाहिए कि ड्राइवर को रखूं, और ड्राइवर को वैसे भी रखूं, लेकिन ड्राइवर के ऊपर मेरा बाहर जाना मैं डिपेंड रखना नहीं चाहती थी, आई नीड फ्रीडम। तो ड्राइवर के बीवी के पेट में दर्द होने लगा, ड्राइवर अचानक बोल दिया कि मैं नहीं आऊंगा और फिर मेरा बाहर जाना बस, ऐसा मुझे नहीं चाहिए था, है ना। बिजनेस के लिए जाती हूँ तो ऑफकोर्स अकेले जाती हूँ ना, अदरवाइज फैमिली जाना है तो हस्बैंड वगैरह सब है, ही कैन ड्राइव, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे जो मेरे फ्रीडम की बात थी, मैं बिजनेस के लिए बाहर निकल रही हूँ तो मुझे मेरा फ्रीडम चाहिए, तो वो क्लच तक है ना मेरा पैर जाता नहीं है, आई एम सो स्मॉल, तो मेरा क्लच दबाऊ ना तो मुझे पूरा लेटना पड़ता है सीट पे। पहले मेरे पास इंडिका थी, हस्बैंड की इंडिका थी, तो इंडिका में मैं इतनी बड़ी पिल्लो रख के बैठ के, जैसे हाथी पे बैठा है ना महावत, महावत वैसे बैठ के गाड़ी चलाती थी, लेकिन मैंने सोचा अभी ये नहीं चलेगा, अभी स्कोडा ले रही हूँ तो ये नहीं चलेगा, स्कोडा ले रही हूँ तो मुझे गाड़ी चलाने आनी चाहिए। तो मुझे वो सेल्समैन ने बताया था, ये 2006 की बात कर रहे हो, सेल्समैन ने बताया अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ब्रेक और एक्सेलरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, मैं बोली कुछ नहीं, एक्सेलरेटर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेक में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं, वो बोला कि जहाँ पे क्लच ही नहीं है ऐसी गाड़ी आपको दू क्या, ओ वाओ आई वाज सो हैप्पी। सो वो स्कोडा लॉरा ली जो ऑटोमेटिक कार थी, तो मुझे क्लच दबाने का कोई, क्लच ही नहीं है गाड़ी में तो कोई सवाल नहीं था। तो ये चीजें होने के बाद ना, गाड़ी हो गई, घर हो गया, उसके बाद जो शौक उभरता है, और वो शौक भी ना ये बिजनेस की वजह से ज्यादा उभरा। ये बिजनेस में आने से पहले तो मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, अभी कभी सोचा भी नहीं था कि पासपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी, फॉरेन जाएंगे, ये वो कुछ नहीं था हमारे लिए। हमारा एक नेटिव प्लेस था कोंकण में जाना, बस छुट्टियां लगी कोंकण में जाना, कोंकण में एंजॉय करो, और हम लोग बोलते हैं ना कोंकण का कैलिफोर्निया, कोंकण इज लाइक कैलिफोर्निया, ऐसा बताते वक्त लोग बोलते हैं, तो हम खुशी मनाते थे चलो हम कैलिफोर्निया जाके आए। लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद कंपनी की इतनी सारी टूर है, सबसे पहला टूर था मलेशिया, मलेशिया टूर में जाके आए और तभी पासपोर्ट बनवाया, और तभी समझा बाहर की दुनिया क्या चीज है, बाहर क्या है, और तभी ये समझा कि इंसान के रूप में ऊपर वाले ने अगर पैदा किया है ना, तो ये सारी जगह पे अलग अलग कंट्रीज में घूमने के लिए हमें पैदा किया है ऊपर वाले ने। और फिर मलेशिया का जो था ना, मलेशिया का कॉन्टेस्ट जो था, वो उसमें ऐसा रखा था कंपनी ने, फास्टेस्ट 50 विल गो टू साउथ अफ्रीका, ओनली 50 पीपल, और वहां पे 50 लोगों में मेरा 2 IDs क्वालिफाई हुए थे,
साउथ अफ्रीका के लिए. सो वी हैड बीन टू साउथ अफ्रीका, मैं सारे फोटोज दिखा रही हूँ. और ऐसा करते करते बहुत मतलब ये शौक क्रिएट हुए. जब मतलब प्रवीण चंदन सर जी का इतना बड़ा विजन होता है हमेशा कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने पूरी दुनिया देखनी चाहिए, और फिर वो एक बार वो है ना वो आदत से मजबूर हो जाते हैं. वो एक बढ़िया काम करते हैं, वो आदत लगा देते हैं, पैसे की आदत, लग्जरी की आदत, फिर ऐसे फॉरेन टूर्स की आदत. लग्जरी की आदत तो इतनी है ना, पहले कभी नहीं सोचा था कि फ्लाइट में बैठेंगे, डोमेस्टिक भी कभी नहीं सोचा था ना, मैं कभी बैठी थी सच्ची कहती हूँ. लेकिन ये माई लाइफ ने ये आदत डाल दी कि कहीं पे भी जाना है, दो दिन क्यों गवाए, दो घंटे में आप वहां पे पहुंच सकते हैं. और डोमेस्टिक फ्लाइट हुआ, और फिर इंटरनेशनल फ्लाइट में जाना चालू हो गया, अलग अलग कंट्रीज में जाना चालू हो गया. सो वो आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको एक कसम देना चाहती हूँ, अगर आप लेना चाहते हैं तो, जितने भी अनमैरिड लोग है ना, आप है ना माई लाइफ में आए हो, माई लाइफ के में आपको ऊपर वाले ने लाया है, तो आपको स्विट्जरलैंड से कम तो हनीमून पे कहीं जाना ही नहीं. ये आपको मेरी कसम है, सच्ची कहती हूँ. वो लोग ना अलग अलग बहाने बनाते हैं, नहीं नहीं थोड़ा अभी मतलब महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाबलेश्वर माथेरान जाएंगे, बाद में जाएंगे. मैं आपको बोलती हूँ वो बाद में कभी हनीमून नहीं होता है. आप माई लाइफ में आए हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही हनीमून के लिए आपने जाना चाहिए, ये मैं आपको बताती हूँ. सो वी हैड बीन टू स्विट्जरलैंड. और जितने मैरिड लोग है, मैरिड लोग इसमें से एस्केप मत हो जाइए, मैरिड बोलेंगे हमारे लिए तो है नहीं, आपके जितने भी हनीमून इसके पहले हुए होंगे, लेकिन वन मोर शुड बी इन स्विट्जरलैंड. एक और आपका स्विट्जरलैंड में हनीमून होना चाहिए. बहुत मतलब ये का आप इतना मतलब प्राउड महसूस करेंगे जब आप स्विट्जरलैंड की वादियों में जाएंगे. ये मेरे स्व अनुभव में बता रही हूँ, मेरे सेल्फ एक्सपीरियंसेस आपको बता रही हूँ, है ना. स्विट्जरलैंड गए थे हम लोग, वाव मतलब इट वॉज जस्ट फंटास्टिक. कुछ मैं दूसरा, ये माउंट एटलिस है स्विट्जरलैंड का. मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइजिंग बात बताती हूँ, स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी चलती है इंडियन टूरिस्ट के ऊपर. ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी इंडियन टूरिस्ट के ऊपर चलती है. स्विट्जरलैंड में आपको कितने सारे इंडियन टूरिस्ट दिखाई देंगे. दिस इज माउंट एटलिस. माउंट एटलिस में वो गंडोला है, केबल कार नहीं, वो गंडोला बोलते वो है. तो वहां पे हिंदी में लिखा हुआ आपको मिलेगा, पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए कृपया बैठे रहिए. ये हिंदी में जब बोर्ड देखते हैं ना हम, ओ माय गॉड, मुझे माय लाइफ करने का निर्णय का मुझे इतना सुकून महसूस हुआ जब स्विट्जरलैंड में जाके हिंदी में हमने पढ़ा. कई सारी जगह पे है माई माउंट इटलीस पे हिंदी में मतलब सॉरी इंडियन बुफे मिलता है आपको, दाल मखानी और क्या बोलते हैं बटर नान, ये सारी चीजें उधर इटलीस में आपको मिलती है. वो खाना ये मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे मैम खाने का क्या सोच रहे हैं, लेकिन वहां पे जाके अपनी चीजें देखना ना, इससे बढ़िया चीज मेरे हिसाब से मतलब मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ था कि वी आर हिंदुस्तान. कल एक दिन का वो होय होय करके नहीं होता है, वो अपने दिल में जान में होना चाहिए, जो हमारे जान में बसता है. और वैसे ही माय लाइफस्टाइल हमारे नस नस में बसता है. हम माय लाइफस्टाइल में नहीं है, हमारे अंदर नस नस में माय लाइफस्टाइल बसा हुआ है. सो दिस वाज माउंट एटलिस. और आप देखेंगे यश चोपड़ा जी वॉज द सुपर फैन ऑफ स्विट्जरलैंड. ये देखिए दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का कटआउट है शाहरुख और काजोल, आप उसके पीछे जाके खड़े रह के फोटोज निकाल सकते हैं. दिस इज माउंट इटलिस वंस अगेन, है ना. वाओ, ये अपने यहाँ भी मिलेगा, मैं ना नहीं बोल रही हूँ. अगर आप रोहतांग में जाएंगे या आप श्रीनगर में जाएंगे, सब जगह मिलेगा, नो डाउट. वो तो हम कभी भी देख सकते हैं, अपना घर है. लेकिन ये बाहर जाके देखने में जो मजा है ना, मतलब एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाता है, एक सेंस ऑफ कुछ तो किया हमने लाइफ में, कुछ तो कर दिखाया, ये सेंस आ जाता है यहाँ पे हम जब जाते हैं. तो मैं जरा थोड़ा फास्ट जाती हूँ, मुझे दिया हुआ टाइम मुझे एक्सीड नहीं करना है. दिस इज ऑल्सो स्विट्जरलैंड, दिस इज लूजन, वन मोर सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड. और फिर ना जितने लोगों ने देखा होगा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जो मूवी थी ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर और अभय देओल की, और वहां पे उन्होंने जो स्विट्जर वहां पे वो तो स्काई डाइविंग किया था,
मेरे अंदर बहुत एकदम ये हो गया, ये सारी डेयरिंग जो है ना, ये सपने देखने की सोचने की ये डेयरिंग भी ये बिजनेस करता है, नहीं तो नॉर्मल जीवन में हम सोच भी नहीं सकते। फिल्मों में दिखा है बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत ताली बजाएंगे जो करेंगे, लेकिन खुद करने का सोचेंगे नहीं। लेकिन ये खुद करके देखने का डेयरिंग मुझे ये बिजनेस ने दिया। और हम लोग स्विट्जरलैंड में जब गए, तभी हम गए है ना इंटरलाकन में, और ये स्काई डाइविंग के लिए गए। एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपीरियंस था, क्या बताऊं मैं आपको, जबरदस्त। ये ऐसा सब उनका ये रहता है ड्रेस कोड है ना, सभी जगह ड्रेस कोड तो रहते ही है। अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पे आपको जबरदस्ती की जा रही है ड्रेस कोड की, तो वैसा नहीं है। एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू गो, सभी कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए पर्टिकुलर ड्रेस ही पहनना चाहता है। वो ऊपर लेके जाते हैं फ्लाइट में 12,000 square feet के ऊपर ऊपर लेके जाते हैं। सी दिस, मेरा चेहरे पे ही दिख रहा है, खुशी है, डर है, आनंद है, अचीवमेंट का फीलिंग है, सब कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा फीलिंग तो डर की है। झूठ मैं बोलती नहीं हूँ, सच बता रही हूँ। और ये अपना अपने साथ रहते हैं, और इनके और अपने बीच में बहुत सारा वो हार्नेस वगैरह रहता है ना। और फिर मैंने बोला था कि मैं सबसे आखिर में जाऊंगी, तो उन्होंने बोला नहीं, सबसे पहले आप ही चलो, आप ही डर जाओगे, आप ही पहले चलो। और सबसे पहले मैं थी। उसके पहले ना मुझे इतना हाइट का फोबिया था, जबरदस्त। मैं हाइट पे जाऊँ तो मैं कांपने लगती थी, लेकिन इसके बाद पूरा हाइट का फोबिया निकल गया। सी दिस, यहाँ पे वो डोर खोलते हैं और यहाँ पे हम बैठते हैं ना, हम लोग ऑलमोस्ट हवा में है, वो बंदा प्लेन में बैठा हुआ है। और एक मोमेंट आ जाता है एंड देन हम नीचे कूदी मार देते हैं। ये जो मोमेंट है ना, मैं आपको बोलू, वापस एक बार बोलती हूँ, आप अगर सोचेंगे कि मैं दोहरा रही हूँ, लेकिन बार बार इसीलिए दोहरा रही हूँ कि वो अंदर आपके अंतरात्मा तक, सब कॉन्शियस तक आपके पहुंच जाए। ये जब कूदी मारी ना, वाओ, मैं मतलब इतनी सम्मिश्र भावनाएं थी। डर तो सबसे पहले था, दैट वॉज देयर, लेकिन जितने लोग ना बोले थे ना, वो सारे में जैसे स्विट्जरलैंड की वादियों में ऐसे चिक 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 दिखाई दिए। और इतना मैं खुश थी कि मुझे ये लगा कि आज भी वो लोग वहीं पे हैं, लेकिन मैं कहाँ पे, आज मतलब आसमां में पहुंच गई। बहुत मजा आता है, बहुत। और यहाँ पे ये पोजीशन पे, सी दिस, ये जो पोजीशन था ना, और गॉगल रहता है, नहीं तो हम आंखें खुली रख ही नहीं सकते हैं, उनका एक स्पेशल गॉगल रहता है। और मुझे ना साक्षात प्रवीण सर दिखाई दिए वहां पे। अगर वो इंसान नहीं होता तो मेरे लाइफ में ये नहीं होता था, मेरी लाइफ में ये कभी नहीं हो सकता था। उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, मैंने वहां पे डाउट नहीं लिया। डाउट ये ना, आपके और आपकी प्रगति के बीच में सबसे बड़ा हर्डल है डाउट। कंपनी के ऊपर डाउट, जो बता रहा है उसके ऊपर डाउट, जो दिखाना चाहता है उसके ऊपर डाउट, अपने आप के ऊपर डाउट, ये सारे, मैं आपको कसम से कहती हूँ, ये सारे डाउट्स को हटा देंगे ना, sky is the limit। और मैं यहाँ पे थी, वो बोल रहा था बंदा अब हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। एक्चुअली वो हाथ पकड़ के रखना और छोड़ना, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पूरा हार्नेस बांधे हुए रहते हैं। लेकिन अपना जो डाउट, मैं आपको बोलू, डाउट रहता है कि हाथ छोड़ो तो गिर जाऊ, तो फिर भी वो बंदा मुझे बार बार बोल रहा था हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। मैं बोली आप दिन में 6 बार 7 बार करते हो, आपको तो क्या प्रॉब्लम है ऐसा करके रहने के लिए, लेकिन मैं कैसे छोड़ू। लेकिन इतना उसने बोला, इतना उसने बोला, जैसे आपको आज जिन्होंने प्लान में लाया है ना, बहुत बोलेंगे, बहुत बोलेंगे, और आपके वही डाउट लेके बैठेंगे ना, जिंदगी में कुछ नहीं होगा। मैंने हाथ छोड़ा, डाउट छोड़ा, हाथ छोड़ा, और उसके बाद मुझे समझा स्काई डाइविंग में सबसे बड़ा मजा जब हम हाथ छोड़ते हैं तभी आता है। आपको बोलती हूँ वो सारे डाउट छोड़ो और उसके साथ चलो जिन्होंने आपको आज बुलाया है, और फिर देखो मजा जिंदगी में क्या आएगा ना। यहाँ पे स्काई डाइविंग और फिर पैराशूट खोलते हैं, और सारी बराबर सिक्योरिटी रहती है। उसके पास 2 पैराशूट रहते हैं, एक मैनुअल रहता है, एक ऑटोमेटिक रहता है। ऑटोमेटिक अगर कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ हुआ, कुछ खुला नहीं, तो दे ओपन मैनुअल पैराशूट, और ऐसे करके नीचे आ गए, जमीन पे आ गए। ओ माय गॉड, अभी देखिए तभी का मेरा चेहरा और अभी का मेरा चेहरा वैसा ही आपका होगा। आज प्लान देखते वक्त का आपका चेहरा, और जब अचीव करेंगे ना आप, तभी का आपका चेहरा, दोनों चेहरे सामने सामने रखिए और सी द डिफरेंस। सी, बहुत मजा आता है लाइफ में जब आप कुछ अचीव कर पाते हैं, बहुत मजा आता है ना। उसके बाद पेरिस गए, कंपनी का टूर था, यूरोप का टूर था, पेरिस गए, और जबरदस्त मतलब ना, आईफिल टावर,
पेरिस के कोई भी कोने में से देखो आईफेल टावर दिखता है, और आईफेल टावर को शाम के वक्त अलग अलग प्रकार के लाइटिंग किया जाता है, हर 1 घंटे के बाद चिक 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 वो लाइटिंग रहता है, और रात को जब आईफेल टावर सोता है तब उसको एक बार ऐसा व्हाइट, पूरा व्हाइट लाइट्स किया जाता है, एंड देन उसके बाद आईफेल टावर सोता है। और जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं ना, लोगों को उठाने का काम करते हैं ना, आपके घर में तभी पैसा आता है जब आप लोगों के घर में पैसा लाते हो, तो ऊपर वाला भी आपके साथ अच्छा ही करता है। अक्टूबर फर्स्ट वीकेंड होता है ना, सैटरडे संडे अक्टूबर का, वहां पे व्हाइट नाइट करके एंजॉय किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, पूरा पेरिस रोड पे रहता है, शांजलीजे करके एक रोड है, वहां पे पूरा पेरिस घूमता रहता है। और लकीली विद द ग्रेस ऑफ गॉड, विद द ग्रेस ऑफ कंपनी, हम लोग फर्स्ट नाइट को, मतलब वो व्हाइट नाइट को ही पेरिस पहुंचे थे, एंड पूरी रात भर हम सो नहीं पाए, पेरिस में घूम रहे थे। और वंस अगेन हम प्रवीण सर हमारे साथ थे, तो हम वो थर्ड बालकनी जो है ना वहां तक जा पाए। जनरली वो लोग रश हो जाता है तो थर्ड बालकनी का डोर खोलते ही नहीं है, सो यू कैन गो अप टू सेकेंड बालकनी, लेकिन वो सर थे हमारे साथ, तो वी वेंट टू थर्ड बालकनी, वहां से पूरा पेरिस का नजारा दिख रहा था, ओ माई गॉड। और वहां पे भी मैं आपको वापस एक बार बोलू, आज चितिक 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 जो ना बोलने वाले लोग थे ना, वो मुझे दिख रहे थे हर जगह पे, कि आप लोग ना बोले, आप कहाँ हो, आज भी वहीं पे हो, और मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई। शुरुआती दिनों की सारी तकलीफों, दुखों को, दिक्कतों को पार करके, कोई भी बिजनेस हो, 1000 दिन, गुजरात में ऐसे कहा जाता है कि कोई भी बिजनेस शुरू करो 1000 दिन तक टिके रहना चाहिए हमने, तो वैसे ही ये बिजनेस भी है, शुरुआत के इतने दिन की भी ये बिजनेस के लिए जरूरत नहीं है, शुरुआती दिनों में टिके रहो, लोग ना बोलते हैं तो भी टिके रहो, हाँ बोलते हैं तो भी टिके रहो, और फिर यहाँ पे पहुंचो, दिस कैन बी योर डेस्टिनेशन। आज मैं मेरे फोटोज दिखा रही हूँ, आने वाले पीरियड में आपके फोटोज ऐसे दिखा सकते हैं, है ना। फिर वही मैंने जो बोला ना, साउथ अफ्रीका का टूर है, तो ये साउथ अफ्रीका का टूर बहुत जबरदस्त, इतना बढ़िया टूर कंपनी ने अरेंज किया था, माय गॉड। ये है साउथ अफ्रीका का सन सिटी, है ना, वहाँ पे सारे मतलब इतने हेल्दी हेल्दी प्राणी दिखते हैं, ये जिराफ इतना हेल्दी मस्त है, और वो ऐसा पूरा झुक के, गर्दन झुका के हमारे हाथ से उसने, हम जीप में थे, वो ओपन थे, तो हमारे हाथ में से उसने खाना खाया। एक सेंटेंस है जो अभी मेरा एकदम सभी लोग जानते हैं ऑल ओवर इंडिया, कि अगर आपको कुत्ते बिल्ली कौवा मतलब पैरों को खिलाना है ना, तो आप जो कर रहे हैं वो करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ऐसे प्राणियों को खिलाना है ना, आगे भी दिखा रही हूँ, ऐसे ऐसे प्राणियों को खिलाना है ना, तो माई लाइफ में आइए और फिर देखिए, क्योंकि खाली पैसा होने से फॉरेन टूर होती है ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो जो मतलब सोचने की जो ताकत देता है ना, वो ये कंपनी देती है, ये बिजनेस देता है, कि यस वी शुड एंजॉय लाइफ, वी शुड, हम इतना पैसा कमाते हैं लेकिन विदाउट एनी टैबलेट्स, विदाउट एनी डिसीजेस हम पैसा कमाते हैं। इतना पैसा कमाने वाले लोग बाहर भी होंगे, लेकिन उसके साथ साथ कितने सारे प्रॉब्लम, कितने सारे टेंशन। हम साउथ अफ्रीका गए थे, हम फोन पे नहीं थे कि बाबा ये करो, उधर ये करो, उधर माल पहुंचाओ, ऐसा करो, वैसा करो, कुछ नहीं था, वी वेयर जस्ट एंजॉइंग इट, है ना। फिर हम लोग कनाडा गए थे, हमारे बहुत शौक था, मेरे हस्बैंड का बहुत इच्छा थी, ये सारा मैं ना, अदरवाइज मेरे घर से मैं एकदम जबरदस्त फिनेंशियल बैकग्राउंड से है हूँ, लेकिन ये मैं मेरी सारी अचीवमेंट आपको बताती हूँ। तो मुझे मेरे बिजनेस में यहाँ तक आने के लिए मेरे हस्बैंड का सबसे बड़ा सपोर्ट था, क्योंकि लेडीज के लिए बहुत बड़ा, मैं आपको बता दूं, अगर आज कोई मतलब लेडीज जो काम कर रही है उनके हस्बैंड भी अगर आज ये देख रहे हैं ना प्रोग्राम, मैं आपको एकदम रिक्वेस्ट करूंगी, उनको रोकिएगा मत, टोकिएगा मत, थोड़ा ये बिजनेस के मतलब तौर तरीके अलग होते हैं, ये बिजनेस मेल डोमिनेटेड है, मेल्स के साथ बात करना, फोन पे रहना, बाहर मीटिंग्स में जाना, ये सारा करना पड़ता है, लेकिन एक ही चीज है ना, आप आपके स्पाउस के ऊपर भरोसा रखेंगे। वाइफ्स, अगर कोई वाइफ्स भी देख रही है, हस्बैंड काम करते हैं, वाइफ्स भी देख रही है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, अपने स्पाउस के ऊपर पूरा पूरा भरोसा रखिए, और देखिए 2-3 साल उनको छोड़ दीजिए, 2-3 साल उनको काम करने दीजिए, और फिर देखिए आपको वो किस तरीके की जिंदगी देंगे। वैसे ही फिर मेरे हस्बैंड का बहुत शौक था नाइगरा फॉल्स देखना है, लेकिन नॉट फ्रॉम अमेरिका, हमें देखना है कनाडा से, क्योंकि आप नाइगरा फॉल को देखेंगे, बीच में नाइगरा फॉल है, एक बाजू में अमेरिका है, एक बाजू में कनाडा है, बीच में एक ब्रिज है ना, लेकिन वो जो दिखता है ना नाइगरा फॉल, बढ़िया दिखता है, वो कनाडा से दिखता है। तो वी वेंट टू कनाडा, सी कनाडा की ट्रेन रेलवे स्टेशन है ये,
मैं मेन मेन दिखाती हूँ, ये है नाइगरा फॉल के आजू बाजू का एरिया, यहाँ पे अपना किस्मत कनेक्शन का विद्या बालन और शाहिद कपूर का गाना है यहाँ पे, बहुत बढ़िया है ना। नाउ आई विल शो यू नाइगरा फॉल्स, हेलीकॉप्टर राइड, बहुत लोग हैं, मैं आपको बोलूं ये टूरिस्ट जो कंपनियां है ना वो भी लेके जाती है ना, उनके खर्चे में ये हेलीकॉप्टर राइड इंक्लूड नहीं होती है, वो अपने आप के ऊपर छोड़ देते हैं कि आपको चाहिए अरेंजमेंट हम कर देंगे लेकिन उसका पैसा अलग बचेगा, अलग लगेगा। और कई सारे टूरिस्ट है ना, मैं आपको बोलूं कि वहां तक जाते हैं लेकिन पैसा ज्यादा पड़ता, खर्चा पड़ होगा करके हेलीकॉप्टर राइड में नहीं बैठते हैं। लेकिन हम माई लाइफस्टाइल वाले हैं तो हम तो सब एंजॉय कर ही सकते हैं, हमारे पास ऐसा काउंटिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जब कनाडा में थी एक बुधवार बीच में आया और मुझे मेरे बैंक से मैसेज आया योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद सो एंड सो मनी, क्योंकि मैं वहां पे थी लेकिन मेरे लोग जो थे ना यहाँ पे रोज इस्तेमाल कर रहे थे, टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे थे, साबुन इस्तेमाल कर रहे थे, जिसको डायबिटीज है डायबेलाइव ले रहा था, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए नाइनिफाई ले रहे थे, वो सारे लोग यहाँ कर रहे थे और मैं वहां पे थी लेकिन पैसा मेरे अकाउंट में बराबर जमा हुआ। कोई भी अगर सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी है ना तो ही, नहीं तो कोई भी कारण से बुधवार को पैसा आना नहीं रुकता है, एवरी वेडनेसडे वी गेट मनी। तो ये नाइगरा फॉल्स, वाओ, ये हॉर्स शू जैसा दिखता है कनाडा साइड से, इतना बेहतरीन है ना, मैं क्या बताऊं, मतलब आपको रात को वहां पे लाइट शो रहता है, पूरा लाइट्स 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 रहते हैं नाइगरा में। मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे ना एक मेड ऑफ द मिस्ट करके बोट निकलती है, कनाडा साइड से भी निकलती है, यूएस साइड से भी निकलती है, और वो बोट यहाँ बीच तक लेके जाते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी पानी और पानी, और निसर्ग का सबसे बड़ा चमत्कार जो दिखता है ना ये होता है नाइगरा फॉल्स। मैं वहां पे खड़ी रही थी सच्ची में, और आधा घंटा मैंने कहा मुझे अकेले को चाहिए, आधा घंटा मैं अकेले, मेरी आंखों में से इतने पानी आ रहा था, खुशी के आंसू थे, अचीवमेंट का फीलिंग था। और मेरा निर्णय, वापस एक बार बोलती हूँ, जो मैंने निर्णय लिया उसका फक्र था मेरे चेहरे पे, मेरे आंसुओं में, मेरे सब कुछ, मतलब मैं धन्य हो गई कि मैंने ये निर्णय लिया। मैंने जब मुझे मेरे सामने ये बिजनेस आया, मैंने ना नहीं बोला, मैंने हाँ ही बोला, इस चीज का मुझे एकदम फक्र महसूस हो रहा था। देन हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे, मुझे था कि मेरा हस्बैंड जब इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो आई वांटेड टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे, मुझे ऐसा था कि एक बर्थडे उनका कहीं तो बढ़िया जगह पे सेलिब्रेट करेंगे। सो वी वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, और ये जो हॉट एयर बलून होता है, सुबह 4 बजे होटल से वो लोग लेके जाते हैं जहाँ पे हॉट एयर बलून की जगह रहती है, और वहां पे हॉट एयर बलून में हमने वो बर्थडे सेलिब्रेट किया। सी दिस, और ये कंगारू, जैसे मैंने कहा वो कुत्ता बिल्ली को खिलाना है तो बैठे रहिए, ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया प्राणियों को खिलाना है तो बिजनेस में जरूर आई है। दिस वॉज कंगारू, अल्टीमेट एक्सपीरियंस था वो, है ना, ऐसे लेफ्ट हैंड से अपने हाथ को पकड़ता है, उनका ही वो लोग ही देते हैं, हम कुछ भी लेके गए चना मुरमुरा सिंगड़ा ना ऐसा नहीं होता है, वो लोग देते हैं खाना, हमने ऐसे राइट हैंड में पकड़ने का और वो अपना लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड, वो लेफ्ट हैंड से अपना हाथ पकड़ता है एंड खाता है, वो जबरदस्त, कुछ कुछ नाखून नहीं लगते है, कुछ नहीं होता है, जबरदस्त अपने लिए एक जबरदस्त एक्सपीरियंस वो छोड़ता है। एंड दिस वॉज, हम जब अच्छे के लिए ही सब काम करते हैं ना, हम अंदर से अच्छे है ना, जैसे मोहित सर जी का स्टेटमेंट है, नियत अच्छी, वैसा कुछ तो स्टेटमेंट है ना वो, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन जो भी नियत, अच्छी नियत से जो भी काम करो आप, तो ये है ना सीजन, ऐसा वो जो पेट के अंदर दिख रहा है ना बैग में, दैट इज जोई, इज कॉल्ड एज बेबी कंगारू, जोई बोलते हैं, और ये ऐसा बहुत रेयरली दिखता है कि ऊपर मम्मा कंगारू को खिला रहे हैं तो वो जोई भी बाहर आके खा रहा है, क्योंकि जोई जनरली मम्मा कंगारू के ऊपर ही बड़ा होता है पैक के अंदर, लेकिन ये हमें मिला, दैट वाज एपिक, मतलब जिनको भी दिखाया ना, जिनको इसकी मालूमात है वो बोले दिस इज द एपिक फोटोग्राफ विच यू हैव गॉट। सो ये सब कुछ होता है ना, मतलब अपना लक अपने आप अपने साथ आने लगता है। दिस इज सिडनी, सिडनी हार्बर, सिडनी ओपेरा, यहाँ पे बैठे ना, मैं सच्ची कहती हूँ मेरा चेहरा देखिए आप, बहुत रोई थी मैं, बहुत रोई थी, खुशी के आंसू थे, इतना मतलब क्या मतलब होता था अगर मैं ये डिसीजन ना लेती थी, यही एक सवाल मेरे सामने था। आई रियली थैंक गॉड कि मैंने ये डिसीजन लिया, वहां पे बैठ के मैं अकेले में आधा पौना घंटा बैठ के बस फ्लैशबैक
मैं देख रही थी कि सच्ची में ये लाइफ में मेरी जीवन नहीं, मतलब मेरी जीवन में ये बिजनेस नहीं आता था तो व्हाट वुड हैपन। ये केन्स है जहां पे हमने स्नॉर्कलिंग किया, वो जो स्कूबा डाइविंग हम नहीं कर पाए, मेरी डेरिंग नहीं थी, नहीं कर पाए एनी हाउ, लेकिन स्नॉर्कलिंग किया। सी द हैप्पीनेस, मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि सी द हैप्पीनेस ऑन द फेसेस। और ये बिजनेस जब आप करने का निर्णय करते हो ना, वो सिर्फ आपके अकेले के लिए नहीं होता है, पूरी फैमिली की खुशियां उसमें शामिल हो जाती है, पूरी फैमिली इसमें खुश हो जाती है। क्योंकि आप जब ये सारी खुशियां मिलती है ना आपको, तो फैमिली के साथ ही मिलती है, असली मजा तो सबके साथ आता है, वैसा ही है ये, है ना। और फिर मैंने सिर्फ मेरे टूर्स करके मैं रुकी नहीं, क्योंकि मुझे ये था, मेरे मम्मी पापा तो मेरे बहुत, मतलब मैं 17 साल की थी तब मेरी मम्मी गुजर गई, मैं 25 साल की थी तब मेरे पापा गुजर गए, तो मेरे मुझे पापा मम्मी नहीं है, लेकिन मैंने ये सोचा कि मेरे इन लॉज, मेरे जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ है, उनको वो खुशियाँ सारी मैंने देनी चाहिए जो मैं आज मुझे मिल रही है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर मैं आज यहाँ तक नहीं होती थी। माय मदर इन लॉ वाज द बिग सपोर्टर। ये करने के बाद ना लेडीज को ऐसा लगने लगता है, हाँ इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैडम क्यों सक्सेसफुल बनी, क्योंकि मुझे मतलब उनको उनकी सासू माँ का सपोर्ट था, मैं कैसे बन सकती हूँ, मुझे तो मेरी सासू माँ का सपोर्ट नहीं है, ऐसा आपके दिमाग जीवन में मतलब दिमाग में आ सकता है। लेकिन मैं आपको बोलूं, कारण देना बंद कर दीजिए। मुझे मेरी सासू माँ का सपोर्ट करके मैं सक्सेसफुल बनी, लेकिन वो नहीं होता था तो भी मैंने ठान लिया था, मेरा वाई क्लियर था कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो मैं यहाँ तक ऊपर वाले की कृपा से मैं आ गई। तो मैंने ये सोचा उनको भी फॉरेन टूर, उन्होंने कभी प्लेन में बैठे नहीं थे टिल द एज ऑफ 70-75, सो मैंने ये सोचा कि इनको भी वो मजा देना चाहिए। और मैंने उनको, मेरे से पहले मैं तो 2015 में गई, लेकिन 2007 में मैंने उनको भेजा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के टूर पे, मैंने भेजा, ये मैं बोलती नहीं हूँ, वो ऊपर वाले की कृपा की वजह से, ये बिजनेस की कृपा की वजह से मैं ये कर पाई, मुझ में इतनी ताकत आई कि मैं ये करूँ, और मैं उन्हें उनको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के टूर में भेजा। सी देयर फेसेस, खुशी देखिए उनके चेहरे की। और अभी है ना, जूम का एक बहुत बड़ा वरदान है कि हम इतना नजदीक से सब देख पा रहे हैं, नहीं तो हॉल में जब हम होते हैं स्क्रीन पर जब दिखाते हैं तो बहुत दूर लोग बैठे हुए रहते हैं, इतना मतलब हॉल की स्क्रीन पे भी देखो तो भी इतना क्लियर, इतना नजदीक से दिखता नहीं है। आई एम टेलिंग यू, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो लेके रखिए, और आपके मम्मी पापा के फोटो लगाइए और दे दीजिए उनको वो खुशियाँ जो वो चाहते हैं। बोल के कोई नहीं दिखाएगा, लेकिन आपने दी ना ये खुशियाँ, सो दे विल बी द हैप्पीएस्ट पीपल जिंदगी में, मतलब उनको ऐसा इतना बढ़िया महसूस हो जाएगा। नारी शक्ति को मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी कि आज वो सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसकी तरफ देखिएगा मत, आप अच्छे रहिए तो वो अपने आप आपके साथ अच्छे रहेंगे, उनको जब आप फॉरेन टूर भेजेंगी तो वो डेफिनेटली आपके साथ अच्छे ही रहेंगे। और फैमिली कल्चर है ना जो अपना हिंदुस्तान का, अभी बाहर जाते हैं ना तो हमें एक ऑस्ट्रेलिया में एक पर्सन मिला था और वो बोला था कि आप मतलब ऐसे ही बातचीत निकली थी, और वो बोला था इंडिया में अभी न्यूक्लियर का कल्चर आ रहा है जहाँ पे हम लोग अभी फैमिली कल्चर अपनाना चालू कर गए, क्योंकि हमें फैमिली कल्चर का इम्पोर्टेंस समझ में आया है, कितने फायदे है वो हमें अभी समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है ना फैमिली कल्चर अपना बहुत जबरदस्त बढ़िया तरीके से बढ़ सकता है जब हम दूसरों को खुशियां देना चालू करते हैं। क्या होता है, अपने पास ही जब स्कैर्सिटी रहती है ना तो दूसरों को देने के बारे में हम कभी सोच नहीं सकते, लेकिन अपने पास अबंडेंस आ जाता है ये बिजनेस की वजह से। ये बिजनेस में आप जोरदार काम करिए और सी द अबंडेंस, मतलब कहाँ खर्चा करूँ पैसा, ऐसी सिचुएशन में आप आ जाते हैं ना, तब दूसरों के लिए आराम से खर्चा करना चालू करिए। दे वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, खुशियां देखिए, मैंने ये फोटो इसीलिए लिया बहुत सारे फोटो में से उनके चेहरे पे खुशियां देखने के दिखाने के लिए। ये है सिडनी का बीच, बोंडी बीच जहाँ पे वो है, ये है न्यूजीलैंड। और फिर मैं बोलूं उनको, मैंने ना सासू माँ ने एक दिन मुझे पूछा था कि वो जो हमारे इधर टूरिस्ट कंपनियां रहती है ना उनके अंदर वो लेडीज स्पेशल टूर्स लेके जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है लेडीज जब हस्बैंड के साथ टूर के लिए जाते हैं ना तो कुछ नहीं होता है, वही सेम चीजें रहती है, उन्हीं की केयर लेना, बच्चों की केयर लेना, ये करना वो करना, खुद बेचारी एंजॉय नहीं कर पाती, तो वो सिर्फ लेडीज स्पेशल टूर्स होते हैं
तो इन्होंने मुझे एक दिन पूछा था वो लेडीज स्पेशल टूर में मजा आता होगा ना, तो मैंने इमीडिएटली उनका पासपोर्ट लिया और जाके बुकिंग करके आई और शाम को उनके हाथ में पासपोर्ट बुकिंग दे दिया उनको और कहा मैंने, वो थाईलैंड की टूर थी, मैंने कहा जाओ माता जी जी लो अपनी जिंदगी। और वो थाईलैंड में जाके, अभी क्या है उनको इतना सही तरीके से कैमरा वैमरा अपलोड करने आता नहीं, तो सारे टूर्स के फोटोग्राफ्स नहीं है मेरे पास, लेकिन उन्होंने जो मजे किए, उन्होंने जो एंजॉय किया, मैं वापस एक बार अपने निर्णय के ऊपर मैंने फक्र महसूस किया। ये बिजनेस को एक बार वापस कहती हूँ जाते जाते कि ना बोलना बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं है ना। आपको जिन्होंने बुलाया है 3 बार 4 बार 5 बार चाहिए तो फॉलोअप देंगे आपको, बाद में छोड़ देंगे, लेकिन ना बोलना आसानी के आसान तो है लेकिन बहुत नुकसानकारक है। कोई भी कारण से आप ना बोल रहे हैं ना, वही कारण को आप हाँ बोलने के लिए लगा दीजिए एंड सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी के फर्क आप महसूस करना चालू करेंगे, सिर्फ महसूस नहीं जीना चालू करेंगे वो फर्क। ना बोलने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ना बोलने से क्या होगा, एक दिन आपको जो प्लान दिखा रहे हैं ना, आज वो भले बहुत छोटे हैं, आज वो भले उन्होंने अभी भी बिजनेस की शुरुआत की है, आज वो भले 1,000 रुपया भी इस बिजनेस से नहीं कमा रहे हैं, लेकिन हम उनको इतना मोटिवेशन देंगे और इतनी इस बिजनेस की सच्चाइयां बताते हैं कि वो छोड़ के जाएंगे नहीं और एक ना एक दिन अपनी मर्सिडीज खड़ी करेंगे। और वो मर्सिडीज आपके पास लाके जब पॉम पॉम करेंगे ना, तो आपके घर से जो आपको गालियां पड़ेगी ना, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। घर के लोग बोलेंगे वो जब कर रहा था तुम्हें बुलाने आया था तब तुम्हारी अकल कहाँ गई थी, और उस वक्त जवाब नहीं होगा। लेकिन हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, इतने पोलाइट और इतने लीनियंट है, आप तभी भी बोलेंगे ना कि अभी मुझे तुम्हारे साथ सच्ची में ये बिजनेस करना है, उस वक्त मैं समझ नहीं पाया था लेकिन आज मैं समझ गया हूँ इसका पावर, इसकी ताकत, और मुझे आज करना है। तभी भी वो आपको गले लगाएंगे और कहेंगे चलो देर सही दुरुस्त है। ये इस बिजनेस की ताकत है ना। और उसके बाद जैसा मैंने कहा स्कोड़ा ली, फिर वही स्कोड़ा चला रहे थे, क्योंकि ऐसे ये बेसिक डिफरेंस है मेल और फीमेल में। मेल्स को जो मतलब बाइक्स का, गाड़ियों का जो शौक होता है, वो मुझे अभी बाय डिफॉल्ट वो इतना ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ गया था कि सीइंग इज बिलीविंग। मैं कितना भी बार बात करूं पैसों की, कुछ भी करूं, लेकिन दिखाऊं नहीं तब तक होगा नहीं। तो 2 साल पहले जो पूरा माई लाइफ में ये ब्रांड अभी अभी आया है, वो ब्रांड लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट्स, ये कार मैंने ले ली है ना। जो फोटोग्राफ तब भी निकाला था, जो तभी पीपीटी में डाला है वही डाला, आपका इनविटेशन पे इसका बढ़िया फोटो है। ही इज माई प्राउड हस्बैंड मिस्टर मिलिंद फणसळकर, ही इज माई लाइफ पार्टनर, ही इज माई बिजनेस पार्टनर मिस्टर सचिन चौहान। हम दोनों ने मिलकर ये बिजनेस की शुरुआत की, उन्होंने गुजरात में शुरुआत की, मैंने महाराष्ट्र में शुरुआत की, एंड वी हैव strong bonding of partnership for last 19 years. और ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी की तो बात करो आप, देखो मेरी हाइट देखो, गाड़ी की हाइट देखो, मैं जब ड्राइविंग सीट पे बैठती हूँ ना किसी को, आई लव मैडम, तो मैंने ये भी सोचा था कि टेस्ट ड्राइव लेते वक्त भी मुझे चला नहीं आनी चाहिए, भले मैं आगे जाके चलाऊ नहीं चलाऊ, ड्राइवर चलाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसी गाड़ी नहीं लेनी है कि जो मुझे चलाना आता नहीं है। और ये गाड़ी ली हमने, और मैं जब वहां पे बैठती हूँ ना, सामने से दिखती नहीं हूँ, लोगों को लगता है कि इंडिया में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है विदाउट ड्राइवर गाड़ी चलाने की, बट दिस इज माई मतलब अभी क्या बोलू मैं, बहुत बढ़िया मेरे दिल से फेवरेट गाड़ी है ना डिस्कवरी स्पोर्ट्स। जो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का ड्रीम रहता है कि मैं ये गाड़ी ले लूं, और आई ऑलरेडी हैव इट जस्ट बिकॉज ऑफ ये बिजनेस है ना, मेरे अपलाइन, मेरा पूरा ग्रुप, मेरे सारे लोग, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आई हैव दिस ऑल दिस थिंग्स। यही है मेरी लाइफ की स्टोरी, बिफोर एंड आफ्टर मैंने बताया। आज मैं यूटीसी मैं करके आपके सामने हूँ, मैं थोड़ा सा ये स्क्रीन शॉट शेयर करके मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग होता है। 150 करोड़ मैच इज कॉल्ड एज यूटीसी, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। यस, सी दिस,
This is organization 274 crores 89 lakhs 53,200. And this is organization 181 crores 54 lakhs 64,347. ऐसा ना लगे कि आप बताते हैं सारे. दिस इज अवर लाइव साइट, लाइव साइट है, आप सबको पता है ना. सो यही है मेरी कहानी और यही है मेरी, ये मेरा टर्नओवर बोल सकती हूँ मैं आपको. ऑफ कोर्स ये मेरे अकेले की कोई ताकत नहीं है, दिस इज ताकत अवर पूरा डायनामिक, है ना. अलग अलग नाम है उसके, डायनामिक इवोल्यूशन, डायनामिक सॉल्यूशन, डायनामिक सपोर्टिंग सिस्टम, ऐसे सारे डायनामिक मिला के दिस इज द स्टोरी. आपने मुझे यहाँ पे बुलाया मोहित सर, आई एम रियली थैंकफुल. और मेरी स्टोरी, आई होप ये स्टोरी से लोगों को मोटिवेशन मिला हो. और जितने भी लोग अगर आत्महत्या की कगार पे हो, मैं आपको फिर एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, है ना, सुसाइड इज अ परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ टेम्पररी प्रॉब्लम. प्लीज डोंट डू सुसाइड. ये बिजनेस की बात कर रही हूँ, जिंदगी में तो आप करेंगे ही नहीं, लेकिन ये बिजनेस की बात कर रही हूँ. ये बिजनेस को छोड़िएगा मत, ये बिजनेस को पकड़ के रखिए. ये ऊपर वाले का प्लानिंग है, ये बिजनेस आपकी जिंदगी में आना. ये ऊपर वाले ने आपके लिए सोचा है कि ये बिजनेस से की वजह से आपने जिंदगी में जोरदार तरक्की करनी है, जोरदार कामयाबी लेनी है, खुशियां लेनी है. आई ऑलवेज टेल पीपल कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मनी विथ हैप्पीनेस. खाली मनी हो सकता है, खाली हैप्पीनेस हो सकता है, लेकिन मनी विथ हैप्पीनेस ये एक ही मतलब यही पे हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन मनी विथ हैप्पीनेस. सो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ भी फैमिली को, भी काउंसिल को, है ना, कि मतलब एक बहुत जबरदस्त कंसेप्ट आप चला रहे हो एकदम. मतलब आई रियली सैल्यूट विद बोथ द हैंड्स, है ना, टंडन मोहित टंडन जी, लता टंडन जी, दुर्गेश त्रिपाठी जी और सारी नारी शक्ति. आई होप कि मैं मेरे शेयरिंग से आपके अंदर कुछ तो एक चिंगारी डाल के जा रही हूँ, वो आके जाके बहुत बड़ी ज्वालामुखी बनने वाला है. आप सबके अंदर वो ताकत है, आप सबके अंदर वो कैपेसिटी है, आपको सिर्फ उसको फूक मारने की जरूरत है, वो बहुत जबरदस्त हो जाएगा. डरिएगा मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं जब अकेली हुआ करती थी ना, तो मैं यही सोचती थी मुझे डरने की क्या जरूरत है, यहाँ पे सारे लोग जो आए हुए हैं अपने अपना बिजनेस के लिए आए हुए हैं, वो अपना बिजनेस करेंगे, मैं अपना बिजनेस करूंगी, मुझे खाने के लिए कोई आया नहीं है. जब आपकी नीयत साफ होना, आपकी नीयत सही होना, तो बाकी सारे लोग सही मिलते हैं. मैं आज ये पोजिशन पे हूँ, मैं आपको बोलती हूँ, मेरे अपलाइन, मेरे डाउनलाइन, इनके साथ साथ ये मेरे सारे जो क्रॉसलाइंस है ना, सारे जो मेरे मतलब लोग है ना, आई रियली मतलब थैंक देम. अभी जैसे लास्ट ईयर बाली में गए थे, मेरा ग्रुप के तो बहुत सारे लोग हम लोग साथ में थे, इसी पी से ना बाहू, लेकिन साथ साथ में बस में मेरे सारे क्रॉस लाइंस भी थे, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता था कि मैं अकेली हूँ, अकेली लेडी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता था. आपके लिए भी मैं वही कहूंगी, आपका फोकस बिजनेस में रखिए, बाकी सारे छोरे धींगल चीजों में मत रखिए, तो देखिए आप भी उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे, उस जगह पे पहुंच पाएंगे. अरे आपको बोलू मैं कि ये पोजीशन पे कंपनी जब 5 star 7 star में लेके जाती है ना, और आप इतने बड़े पोजीशन में आ जाओगे ना, एनटीसी एंड अबाउ, तो देखिए एक एक रूम इतनी बेहतरीन देती है कंपनी कि आपने जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा. अभी दुबई में गई थी, इतनी आलीशान रूम थी, एंड मेरे साथ तो कोई भी सिंगल लेडी ऐसा शेयर करने वाली थी नहीं. सो I was alone in that room and I really enjoyed that facilities, that luxury, everything. You will also, आपको भी वो मिलेगा, आप भी वो सारा enjoy कर पाएंगे. Wish you all the best. जय हिंद, जय my lifestyle, जय जय my lifestyle. और थोड़ा सा समय अगर मैंने ज्यादा लिया हो मोहित जी, तो मैं क्षमा चाहती हूँ, जरा बातों बातों में ज्यादा time हुआ हो तो. Thank you so much, ma'am. I am speechless. मतलब बहुत सारे dream आपकी life transformation को देख के बने हैं, और I promise to you मैं भी Switzerland जाऊंगी. Yes. Thank you so much, ma'am. Thank you. Welcome, ma'am. Welcome.